हाय फ्रेंड्स, वेलकम जनाऊे आम एजुकेशन आड्डा चैनल को। चैनल वीडियो गुड़ी को देखिया पूर्व चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करनी एवं साइड में थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। वीडियो जदि भल लगे आपको ताले लाइक शेयर करने को जमार भूल। हाँ, लेटेस्ट अपडेट पर बेल आइकन को क्लिक करने को जमार भूल। विलंब नक चलत स्टार्ट करने आज भिडटी। आज वीडियो रे आम अभ्यास कार्य 1.4 पर्यंत जहाँ जहाँ पढ़ी ताकू व्यवहार करके अभ्यास कार्य 1.5 को करवा। तो अभ्यास कार्य 1.5 को करवा पूर्व आमर केवल मिशाण फेराण गुणन उपर फंडामेंटल क्लीयर होता आवश्यक। तो समस्त पाखे बही तो निश्चित भाव थी, बहीटी को खोली दियो। बही खोलापुर आम प्रथम प्रश्न टी जा जोटा कि 1.5 पेज नंबर 11। तो से प्रथम प्रश्न अच्छी, पुस्तक मेलार पांचटी दिन में केते टंकार बही बिक्री होता ता निम्न दि जाए। तो गोटे पुस्तक मेला रही है, से पुस्तक मेलार पांच दिन में किसी बही बिक्री होती आउ से बही कौ दिन केते टंकार बही बिक्री होती सेठी गोटे स्तंभ आकार रे देछि। तो ताकु नहीं किसी प्रश्न मत पचारि से प्रश्न गुड़ी देखा। प्रथम प्रश्न देती, क्यों दिन सबुठार अधिक मूल्यर और क्यों दिन सबुठार कम मूल्यर बही बिक्री होता। तो देखिपड़ा सबुठार अधिक मूल्यर बही क्यों दिन बिक्री होना पंचम दिन केते टंकार ना 92,70,148 टंकार बिक्री होती। तो सबुठ अधिक बिक्री होता जोटा कि पंचम दिन एवं सबुठ कम मूल्य क्यों दिन होता ना देखिपड़ा द्वितीय दिन। द्वितीय दिन कौन है ना 41,1524 टंकार बिक्री होती। तेणुक दुई दिन आम कौन है गोटे दिन बृह अधिक आउ गोटे दिन कम हो। द्वितीय प्रश्न को जीवा, चतुर्थ दिन तुलन में पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होता पचारे। अर्थ कौ कौ दिन भितर कही चतुर्थ दिन तुलन में पंचम दिन। तो कौन दिन अधिक आम जानते पंचम दिन अधिक हो। तो पंचम दिन बही बिक्रीटा को प्रथम लिखिदे पंचम दिन केते टंकार बही बिक्री होता ना 92,70,148 टंकार बही बिक्री होता। एवं चतुर्थ दिन केते होता ना 76,55,320 टंकार बही बिक्री होता। वर्तमान आमको सी कही टंकार अधिक बही बिक्री होता। तो केते टंकार अधिक बही बिक्री होता अर्थ आ अपेक्षा केते अधिक हो तो जोटा कि आम वियोग करवा द्वारा पाई। तो वियोग करने वियोग तो समस्त आसी 8 रु 0 गले पड़ जाव 8, 4 रु 2 गले 2, ये 1 रु 3 जापर ना। तो 1.10 आने 11 हम 11 रु 3 गले कौन हम 8। वर्तमान ये अच्छी कौन 9 रु 5 गले 4, ये अच्छी 6 रु 5 गले 1, ये अच्छी 2 तो वियोग कर पारे 1.10 आने 12 रु 6 गले 6, ये 8 रु 7 गले 1। अर्थ केते टंकार होता ना 16,14,888 टंकार बही अधिक बिक्री होता। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्न को जी, पुस्तक मेलार मोट केते टंकार मूल्यर बही बिक्री होता। से कही पुस्तक मेलार मोट केते बही बिक्री होता, मोटर अर्थ हो मिशाण। तो आम सबूक दिन लिखिदे लिखिकी जोग करने तो आम मोट केते टंकार बही बिक्री होती। तो मिशाण किसी असुविधा ना तेणुक मुझे करूनी, तुम निजे यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न को जी, प्रथम और शेष दिन मध्य क्यों दिन कम टंकार बही बिक्री होता। देख प्रथम आउ शेष दिन, प्रथम आउ शेष दिन भितर कम टंकार प्रथम दिन होता। नेक्स्ट कही केते कम टंकार बही बिक्री होता, केते कम टंकार बही बिक्री होता केमी जाना ना जो दिन अधिक होता अधिक रु कम को फेड़ीदे। तो देखने केमी हम पंचम दिन सबुठ अधिक होता, पंचम दिन के ना 92,70,148। प्रथम दिन जेहेतु कही प्रथम दिन के 47,22,780। बास बर्तमान वियोग कर दियो 8 रु 0 गले 8, वर्तमान 4 रु 8 जीवन 1.10 आस 14, 14 रु 8 गले 6, ये अच्छे 0, 1.10 आसला 10 है 10 रु 7 गले 3, ये अच्छे 9, 9 रु 2 गले 7, बर्तमान ये अच्छे 6, 6 रु 2 गले 4, बर्तमान ये 2, 2 तो जीवन 1.10 आस 12, 12 रु 7 गले 5, एवं ये अच्छे 8, 8 रु 4 गले 4। तो एतिक टंकार आमर कौन ना अधिक केते टंकार कम बही बिक्री होता पचारि। तो आमर एतिक टंकार कम बही बिक्री होता। दुई नंबर प्रश्न देखा, दुई नंबर प्रश्न दे गोटे लोकसभा निर्वाचन में जड़े विजयी प्रार्थी किसी गोटे विजयी प्रार्थी किसी भोट पाई तो से विषय दे गोटे विजयी प्रार्थी केते भोट पाई ना 5,45,200।
अर्थ गोटे विजयी प्रार्थी एति भोट पाई नेक्स्ट कौन कही से तार निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,78,298 भोट्रे हर अर्थ से निकटतम प्रतिनिधि को हर मीनस सी कौन ना से भोट कम पाइव कम पाइव मीनस कौन करना वियोग तो केते भोट कम पाई ना 1,78,298 वर्तमान एतिकटी भोट सी कम पाई कम पाई तो सी पचार निकटतम प्रतिद्वंदी केते खंड भोट पाई तो निकटतम प्रतिद्वंदी सी केते भोट पाई ना निश्चित भाव आठ रु कम पाई एति कम पाई तेणुक आम वियोग वियोग कले जो उत्तर मिले सी हूँ आम उत्तर वर्तमान एकदश आसविक एकदश आसला दस हो दस रु आठ गुच दुई एट नह नह रु नह गले शून ये एक तो पुणी एकदश एपटक जीव तो एक गलापर कौन होना एगार होगार दुई गले हूँ नह बर्तमान चार पुणी एकदश आस तो आसला चौद चौद रु आठ गले हूँ छह ये तीन पुणी एकदश आसला तेर तेरु सात गले छह बर्तमान चार चार एक गले तीन अर्थ तार निकटतम प्रतिद्वंदी को सी 3,00,000 पाई भोट हूँ 3,66,902 तो ये आमको धारा लिखा पड़ो तो मुझे धारा लिखी ना तुम्हें धारा लिखि नब कौन लिख ना जड़े लोकसभा निर्वाचन में विजयी प्रार्थी पाई भोट इज इक्वाल टू 5,45,200 से निकटतम प्रतिद्वंदी को हराई भोट संख्या इज हर भोट संख्या इज इक्वाल टू एतिकटी भोट नेक्स्ट आमर वियोग फल द्वारा आम कम पाई लिखिद तल को लिखा देरफोर हारी प्रतिद्वंदी पाई भोट इज इक्वाल टू 3,66,902 बुझिपारे तीन नंबर प्रश्न को भलसे बुझा दे महेश को कौन कहुई ना 22,721 18 गुणवापाई कहुला केते गुणापाई कहुई 18 गुणवापाई कहुई किंतु से कौन कला ना 18 गुणवा जगार से भूल 22,721 18 टी उल्टे कि 81 गुणीदेला केते गुणीदेला 81 गुणीदेला जहाद्वारा से कौन निश्चित भाव भूल उत्तर पाई तो सी आमको पचारि से पाई उत्तर प्रकृत उत्तर ठार के कम देख प्रकृत उत्तर होता यहाँ 18 गुणवा द्वारा आम प्रकृत उत्तर पाई जेहेतु सी अधिक करी गुणी निश्चित भाव सी अधिक उत्तर पाइब 18 81 हो मीनस अधिक तो अधिक उत्तर पाइब तो आमर को जो प्रश्नटी पचार के अधिक बा कम तो आम जानीगले अधिक हम केते अधिक हम से आम केमी जानवा ना ये देख 18 जेहेतु गुणवाक कहुला कितु से 81 गुणी अर्थ केते गुण ताक अधिक कला ना 81 फेराण 18 तो 81 रु 18 फेरले कौन आस देखिद ये आसा 11 आठ गले तीन ये अच्छे सात गले छह अर्थ 63 गुण आर 63 यही संख्याटी 22,721 63 गुण अधिक हम तो 63 गुण अर्थ कौन एत आम 63 गुणन करदे तो 63 गुणन कले कौन आस 22,721 गुणन 63 तो नॉर्मल 63 आम कणिका तो आम कर नॉर्मल गुणन करवा तीन द्वारा प्रथम गुण करवा तीन तीन गुणे छह तीन सत्ता एक दुई आनल तीन गुणे छः सात आठ तीन गुणे छह वर्तमान छह गुणन करवा छे छह गोटे अंक छाड़ी पकाइबा छः दुणे बार दुई रक्ष आनल एक छः सत्ता बयालीस एक तेयाश तीन रक्ष आनल चार छः दुगुणे बार बार चार षोह छः रक्ष आनल एक छः दुणे बार एक तेर वर्तमान या मिसई दियो मिसेवा द्वारा जहाँ उत्तर आसो सी हूँ आम उत्तर तीन छः छः बार दुई रक्ष आनला एक तो दुई दुई हूँ चार आठ तीन एगार एक रक्ष आनल एक बार एक तेर तीन रक्ष आनली एक तीन एक चार एक अर्थ एति आमर जो गुणवा द्वारा कौन आसला ना 14,31,423 अधिक होसब उत्तर बुझिपारे ताहले यहाँ आम धारे किपर लिखा ना प्रकृत उत्तर इज इक्वाल टू 22,721 * 18 भूल उत्तरटी हूँ 22,721 * 81 देरफोर 81 फेराण 18 इज इक्वाल टू 63
तो 22,721 63 गुणन गुणन करदेल गुणन कला जहाँ आसला देरफोर से पाई उत्तर प्रकृत उत्तर ठार 14,31,423 अधिक अटे बुझिपारे। ये आमर 3 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 को जी। प्रश्न नंबर 4 गोटे कंटा तैयारी कारखाना दिन को एक दिन तैयारी होता कंटा संख्या दीजिए 62,736 अर्थ गोटे दिन में से 62,736 कंटा तैयारी करे। आमको वर्तमान से कही कौन ना क नंबर प्रश्न कहवा तो सी आम कही क नंबर से ही कारखाना गोटे सप्ताह केतोटी कंटा उत्पादन करहब तो गोटे सप्ताह केते से कंटा उत्पादन कर पचार किंतु कौन है ना प्रति सप्ताह केवल रविवार दिन कारखाना बंद रहे अर्थ सप्ताह को 7 दिन रविवार दिन बंद अच्छी मीन से 7 दिन गोटे दिन बंद है केते दिन खोला रिन खोला रो आम गोटे दिन में पाती कंटा तो 6 दिन उत्पादन होगा कंटा तो केतोटी कंटा हम ना एतिक रे एक दिन जो एतिक हो 6 दिन कौन हम आईन 6 गुणन करदे इंटू 6 गुणन करवा द्वारा कौन आस 636 6 * 3 = 18 18 * 3 = 21 1 * 2 = 642 42 = 44 पुणी आसला 4 6 * 2 = 4 16 * 1 = 636 अर्थ 376,416 कंटा सीए सप्ताह कौन कर उत्पादन करें बुझिपारे। ख नंबर टी करवा पूर्व मु ग नंबर टी जा चाहूँ कहीं प्रश्न आ सहित किसी लिंक अच्छी जो जहाद्वारा कि मुझे ख नंबर टी जब करी तेल पुणी मत या पड़ो तो देखने प्रथम ग नंबर टी कौन दे प्रश्न तापर ख नंबर को जीवा ग नंबर दे 24 कंटा को गोटे पैकेट रे भर्ती करा जिबो 24 कंटा को कौन कराइब ना गोटे पैकेट रे भर्ती करा हबो तो गोटे पैकेट रे रहिबा कंटा संख्या केते 24 तो सी आमको पचारुछि तेबे गोटे सप्ताह रे उत्पादन होइतिबा कंटा गुड़ी को अर्थ गोटे सप्ताह रे केते उत्पादन होइछि ना 376,416 होइछि याकु कौन कहिछि ना गोटे सप्ताह रे उत्पादन कंटा को केतोटी पैकेट करा जिबो केतोटी पैकेट अर्थ 24 लेखा नहीं कि केतोटी पैकेट करवा मुझे पचारि अर्थ होगा ए भितर केतोटी 24 अच्छी बाहर करवा ए भितर केतोटी 24 अच्छी बाहर करवा केमी बाहर ना हरण क्रिया द्वारा ही बाहरी पार तो आमको ये हरण करने को पड़ो क्या 376,416 को 24 द्वारा हरण करवा चल देखने हरण कले कौन आसमान चलतु यह भाग कर ने भाग कले कौन आसवा तो 24 अच्छी तो प्रथम 3 तो जापर 37 को नेबा पड़ो तो 24 1 नहीं जावा 24 1 आस कौन 24 तो आउ के बड़ीला आमर 3 ये बड़ीला 1 13 बड़ीला बर्तमान आउ गोटे अंक तल खसैबा 136 बर्तमान 136 को 24 द्वारा भाग करवा तो 24 5 हूँ 120 तो 24 5 नी 24 5 120 जहाद्वर आउ के बड़ी जीव षोह पुणी आउ गोटे अंक ओल्ल देवा ये पड़ज कौन ना 4 बर्तमान के 24 जीव 24 के 144 24 नहीं जा 144 आउ बड़ा के 20 4 ओल्ल पड़ी तो आउ के रोक 1 बर्तमान 1 को नहीं देखा कौन हो 201 ताकूत बर्तमान करवा तो 24 8 आमर 24 8 हूँ 192 तो 8 नहीं जी 192 बर्तमान 192 को वियोग कला के बड़ी 9 आड़ा शेष किए 6 बर्तमान 96 को देखा 96 केमी हम ना 24 4 को हूँ 96 तो 24 4 को पकईदे 96 बर्तमान भाग शेष कौन हो गला भाग शेष हो गला 0 बर्तमान भाग फल जहाँ आसला सी हूँ आमर उत्तर अर्थ आमर केतोटी पैकेट हम ना 15,684 पैकेट हम बुझिपारे यही प्रकार आम भाग क्रिया करें।
किंबा आउ गोटे प्रणाली जोड़ा कि कटाकटी करने को पड़ो जहाँ को आम भग्नांश आकार लिखी कटाकटी कर लघिष्ट आकार परिणत करके देखने कले केमी सहज होमर तो ये कौन ना 376,416 को आम 24 द्वारा भाग करवा क्यों द्वारा भाग करवा 24 द्वारा भाग करवा तो बर्तमान पूर्व आम टे पूर्व कौन करते ना आपको आम किमी पाई ना कौन से एक संख्यार छह गुणिकी पाई कौन ना दिनकर जोटा आम पाई दिनकर को छह गुणिकी करते अर्थ निश्चित भाव ये छह द्वारा विभाज्य हम तो जदि कटाकटी करवा तेल कौन आस काटिदेली छौक 24 तो आपको जदि आम छटा छह गुणी थे क्यों थी ना गोटे दिन में तो गोटे दिन में आम उत्पादन केते होता बासठ हजार सात शह छतीस टी कंटा आमर दिनक उत्पादन हुए बर्तमान आपको आम चार द्वारा भाग करदे उत्तर तो चार भाग कर दियो चार एक चार आगिका दुई दुई हेल्ला बैश तो चार पंचा कोड़े पुणी आसला दुई सतैश तो चार शोख चबीश पुणी बड़ीगला तीन तीन हूँ तेतीस चार अष्ट बतीस आउ बोलिकला एक षोह चार चौक षोह देख यही उत्तर एवं यही उत्तर मध्य कौन सी तफात ना अर्थ तुम्हें भागफल कटाकटी करा कि हरण क्रिया द्वारा तो मुझे जमी सुविधा लगुच्छे से अनुसार कर कौन सी मार्क कटो ना बर्तमान जीवा ख नंबर प्रश्न को बर्तमान ख नंबर प्रश्न कौन दे तो प्रथम देखीदे गोटे दिन में कतोटी कंटा उत्पादन हुए ना एक दिन में उत्पादन होता कंटा संख्या केते 62,736 टी कंटा बर्तमान आमको सी पचारे गोटे मस जोड़ा कि जुलाई मसरे कारखाना केतोटी कंटा तैयारी हम जदि से ही मसे चारोटी रविवार थाए तो प्रथम चिंता कर जुलाई मसर दिन संख्या केते तो जुलाई मसर दिन संख्या हूँ 31 दिन तो 31 दिन रु कौन हो ना जुलाई मसर दिन संख्या हूँ 31 दिन से रविवार संख्या केते ब्राकेट रे रविवार हूँ चारोटी तो आम से चार वियोग करदे जोड़ा कि वियोग करने द्वारा आम के आस 27 दिन ये 27 दिन कौन है ना कारखाना खुला अच्छी जहाद्वारा गोटे दिन में आमर जदि एतिक उत्पादन हो 27 दिन में उत्पादन होगा कंटा इजिक्वल टू कौन हम ना आमर 62,736 को 27 गुणन करने हम तो 62,736 को जदि आम गुणन करवा 27 द्वारा उत्तर केते आसीबो सेटा तुम्हें निजे बाहर करो बाहर करने द्वारा तुम गुणन में ठीक अच्छे ना भूल अच्छे तुम जापर कि कैलकुलेटर प्रयोग किंतु बिना कैलकुलेटर करने चेष्टा करो यही उत्तर जहाँ आसो सी हूँ आम ख नंबर उत्तर बुझिपारे यह आमर अभ्यास कार्य 1.5 तो यहाँ आमर प्रथम अध्याय संपूर्ण भाव सरी जा जदि वीडियोटी आपको भल लगी था लाइक करने जदि चैनल रो वीडियो गुड़ी का आपन को पसंद होई था चैनल को मध्यो सब्सक्राइब करने साइड थिबा बेल आइकन को मध्यो क्लिक करने आशा कर दिन आपन को शुभमय हो जय जगन्नाथ।